हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भिक। फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर से आप लोगों के सामने काफ़ी दिनों के बाद आ गया हूँ, क्योंकि आप लोग लगातार पिछले एक हफ्ते से कमेंट कर रहे हैं कि ज्वाइनिंग इतनी धीरे क्यों हो रही है, हमारी ज्वाइनिंग कब होगी, पैनल टू कब आएगा, पीएच वालों का कब आएगा, वेटिंग वालों कब आएगा। तो मतलब तमाम क्वेश्चन आप लोग लगातार कर रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों को जवाब नहीं दे पाया। तो मैं इसी के लिए वीडियो लेकर के आप लोग सारा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों अभी तक ज्वाइनिंग नहीं हुआ, पैनल टू कब आएगा, जितना इन्फॉर्मेशन हो सकता है मैं उस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा। फ्रेंड्स, तो इसलिए देख रहे मैं थंबनेल भी क्या बनाया हूँ, पैनल वन वालों का ज्वाइनिंग कब, पैनल टू कब आएगा, इतना धीरे काम क्यों, PWD वेटिंग और बायोमेट्रिक मिसमैच वालों का कब तक। तो फ्रेंड्स, मैं सारे सवालों के जवाब लेकर के आज आ गया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले हम बात करते हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, पैनल वन वालों का ज्वाइनिंग कब। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं, ज्वाइनिंग इतना जल्दी नहीं होता है, हर एक चीज़ का एक प्रोसेस होता है। RRC का काम होता है केवल पोस्ट और डिवीज़न अलॉट करना, जो अभी नहीं किया है, और पोस्ट और डिवीज़न का अलॉटमेंट जो है आपका 25 से 27 तारीख तक हो जाएगा, मैक्सिमम चांसेस है। लेट क्यों हो रहा है, मैं इसका रीज़न बता रहा हूँ। NRC का मैटर आप लोग को मालूम होगा, बहुत ज़्यादा उस पर बवाल हो रहा है आसाम में। तो आसाम लगभग डेली बंद रह रहा है, डेली उसमें आगजनी हो रहा है, तोड़ फोड़ हो रहा है, तो कोई भी काम नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक कि रेलवे भी इफेक्टेड हो जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इस वजह से थोड़ा देरी हो रहा है, और प्लस कोई ज़्यादा देरी भी नहीं है, अगर इसको इग्नोर कर दें हम तो फिर क्या है, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 5 तारीख को आपका पैनल आया है, अभी आज जो आपका 14 तारीख है, 9 दिन केवल हुए हैं। अगर पैनल में ही डिवीज़न और पोस्ट अलॉटमेंट हो गया होता तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ठीक है फ्रेंड, तो अभी क्या है, अभी केवल आपका डिवीज़न और पोस्ट अलॉटमेंट होगा। अब आप लोग कहेंगे कुछ पोस्ट का तो डायरेक्ट ज्वाइनिंग लेटर आ रहा है, जैसा कि ट्रैक मशीन और ब्रिज हेल्पर का, तो इनका क्या है, इनका डायरेक्ट हेडक्वार्टर डील कर रहा है, लेकिन सभी का हेडक्वार्टर डील करेगा नहीं करेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो मैक्सिमम चांसेस यही है कि डिवीज़न वाइज होगा, जैसा कि सारे बोर्ड में हुआ है। तो आपका जो पोस्ट और डिवीज़न अलॉटमेंट जो है वो 25 से 27 तारीख तक होने की उम्मीद है, लेकिन ज्वाइनिंग की उम्मीद नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, ज्वाइनिंग में भी और टाइम लगने वाला है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ज्वाइनिंग का प्रोसेस जो होता है पोस्ट और डिवीज़न अलॉट होने के बाद, जब आपके डॉक्यूमेंट्स जो है आपकी डिवीज़न पहुंच जाते हैं, उसके बाद 1 महीने का टाइम मिलता है डिवीज़न को, वो आपका डॉक्यूमेंट फिर से रीचेक करता है। क्योंकि अभी तक क्या था, आपका सारा डॉक्यूमेंट RRC के पास है, डिवीज़न के पास अभी आपका डॉक्यूमेंट नहीं गया है। तो जब आपको पोस्ट डिवीज़न अलॉटमेंट होता है तो वहाँ भी एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई किया जाता है। तो ये सब वेरीफाई करने में कम से कम 15-20 दिन लग जाते हैं, इसलिए नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली 21 से 30 दिन के भीतर वो अपना ज्वाइनिंग लेटर फिर डिस्पैच करना शुरू करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम सपोज करते हैं 25 से 27 तारीख तक आपका पोस्ट और डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाता है पैनल वन वालों का, तो फिर क्या होगा, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है लगभग मान के चलते हैं 15 अक्टूबर से डिस्पैच होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि दशहरा के बाद, उससे पहले तो कोई उम्मीद नहीं लगता फ्रेंड। ठीक है, और अगर ज़्यादा फास्ट कर सके गुवाहाटी तो कर भी सकता है, लेकिन वैसे अगर रूल के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो आप लोग चंडीगढ़ का भी देखे होंगे, यही सेम हुआ था। पोस्ट डिवीज़न अलॉट होने के बाद वो बोल दिया था कि 1 महीना तक आप लोग वेट करें, अगर 1 महीना तक आपको ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिलता है तो आप अपने डिवीज़न से कॉन्टैक्ट करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो रीज़न ये है, अभी कोई ज़्यादा लेट नहीं हुआ। अब बात करें पैनल टू कब आएगा, तो पैनल टू का फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसका मतलब दो रीज़न हो सकता है, दो ऑप्शन हो सकता है, या तो इनका पोस्ट डिवीज़न अलॉट होने के बाद फिर से उस पर पैनल टू के लिए काम किया जाए, या फिर जब पैनल वन वालों का पोस्ट और डिवीज़न अलॉटमेंट होगा तो वो एक लिंक के थ्रू अलॉट करेंगे, ना कि PDF के थ्रू करेंगे, जैसा कि चंडीगढ़ और पटना में किया गया। तो अगर लिंक के थ्रू वो करते हैं बाय रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ चेक करने के लिए या रोल नंबर डेट ऑफ बर्थ, तो उसमें क्या हो सकता है, पैनल टू वालों का भी रिजल्ट उसी लिंक में दे दिया जाए और उनका तत्काल पोस्ट और डिवीज़न अलॉट कर दिया जाए, यानी कि पैनल टू वाले लकी हो सकते हैं और पैनल वन और पैनल टू का एक साथ पोस्ट और डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाए, उसी के साथ साथ उसमें रिजल्ट पता चल जाएगा कौन क्वालिफाई है, कौन नहीं है, कौन सिलेक्टेड है, कौन नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर ऐसा हो जाता है दोनों लोगों का एक साथ पोस्ट डिवीज़न अलॉटमेंट होता है तो दोनों पैनल का एक साथ ज्वाइनिंग भी होगा, तब ज्वाइनिंग में भी कोई लेट नहीं होगा। ठीक है, वैसे तो ज्वाइनिंग तो क्या होता है, डिवीज़न का मैटर होता है, RRC का काम होता है केवल पोस्ट और डिवीज़न अलॉट करना। तो पोस्ट और डिवीज़न अलॉट जैसे मैंने बताया 25 से 27 तारीख तक उम्मीद है, और पैनल टू भी इसी के आसपास उम्मीद है। अगर क्या नाम है, केवल इनका अलॉटमेंट होता है पैनल वन वालों का पोस्ट और डिवीज़न 22, 23 या 25 तक, तो फिर क्या होता है 27 से 30 तक पैनल टू भी आ सकता है, क्योंकि उसके बाद कोई काम नहीं रहेगा RRC को, फिर यही काम केवल रह जाएगा। और अगर दोनों काम एक साथ करते हैं तो 25-27 मान के चलते हैं कि दोनों मतलब पैनल वन पैनल टू दोनों का पोस्ट डिवीज़न एक साथ अलॉट करेगा और उसी में उनका रिजल्ट भी कन्फर्म हो जाएगा पैनल टू वालों का। ठीक है, हो सकता है इसका एक अलग से PDF भी दे दे उसी दिन, या न दे तो भी चलेगा, केवल लिंक में ही काम हो जाएगा, क्योंकि लिंक से आप अपना चेक कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डाल के कि आपका पैनल टू में मतलब कौन सा पोस्ट मिला है, क्या मिला है, अगर नहीं मिला क्यों नहीं मिला, उसमें नीचे रीज़न लिख देगा रिमार्क्स में, क्योंकि ऐसा चंडीगढ़ भी किया है और वो भी किया, पटना भी किया, बहुत से बोर्ड ऐसा किए हैं, क्या किए, पैनल वन दे के फिर पैनल टू के साथ साथ क्या किए, डिवीज़न अलॉट कर दिए हैं। तो हो सकता है दोनों पैनल का एक साथ काम हो और एक साथ ज्वाइनिंग स्टार्ट हो। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं PWBD वेटिंग और
बायोमेट्रिक मिसमैच वाला कब तक? तो फ्रेंड्स वेटिंग और पीडब्ल्यूडी का भी इसी में आ जाएगा अगर एक साथ काम करना चाहेंगे तो, लेकिन बायोमेट्रिक वालों का भी टाइम लगेगा क्योंकि अभी उनको फिर से बुलाया नहीं है रीचेक के लिए, ठीक है। तो अभी बायोमेट्रिक वाले में काफ़ी टाइम लगने वाला है, लेकिन पीडब्ल्यूडी और वेटिंग का बात करें, अगर आरआरसी बहुत फास्ट काम करेगा तो 25-27 तक सभी का एक साथ पैनल जारी कर देगा और सभी का पोस्ट और डिवीज़न अलॉटमेंट कर देगा। अब जैसे बात हो रही इतना धीरे काम क्यों, तो फ्रेंड्स ये धीरे काम नहीं हो रहा है, जैसा सारे बोर्ड में काम हुआ वैसे यहाँ भी हो रहा है, अभी कोई देर नहीं हुआ है, आरआरसी जितना कर सकता है उतना कर रहा है। बस ये जो एनआरसी का मैटर, इसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है आसाम में, जो लोग लोकल के होंगे वो जान रहे होंगे, रोज़ वहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, आसाम बंद हो जा रहा है, एक दो दिन बीच में बंद भी था आसाम पूरा, तो फ्रेंड्स इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ के पब्लिक को, वहाँ के ऑफिशियल को भी, इसलिए काम थोड़ा नहीं हो पा रहा है। लेकिन मैक्सिमम चांसेस यही है कि 25-27 तारीख तक आपका पोस्ट डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिला मैं यही दिया हूँ, 100% गारंटी के साथ तो कुछ मैं बोल नहीं सकता क्योंकि फ्यूचर कौन जानता है, लेकिन मुझे जितना इन्फॉर्मेशन मिला है मैं उतना बता रहा हूँ, 25-27 तारीख तक डिवीज़न अलॉटमेंट हो जाएगा और उसके बाद कम से कम 21 दिन तो डिवीज़न्स लेंगे ही लेंगे, क्योंकि 30 दिन का टाइम मिलता है। हो सकता है अगर जब लिंक मिल जाए, आप लोग खुद लिंक में देखेंगे लिखा रहेगा कि 30 दिन तक वेट करें डिवीज़न अलॉटमेंट के बाद, अगर 30 दिन तक आपका वॉलंटियर नहीं आता है तो फिर आप अपने डिवीज़न से कॉन्टैक्ट करें। तो डिवीज़न को अधिकार है 30 दिन लेने का, ठीक है फ्रेंड्स। अगर उससे लेट होता है तो आप जाके वहाँ बात कर सकते हैं कि क्यों हमारा वॉलंटियर अभी तक नहीं आया है। तो फ्रेंड्स इतना ही अपडेट है, बाकी कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।